स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo Nex। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इसका, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या कुछ नया किया है Vivo ने, और बाकी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक। ये हो गया है इसका सील ब्रेक। काफी बड़ा सारा इसका बॉक्स है और काफी हैवी वेट है इसका, 750 ग्राम के आसपास का वेट है। ये करते हैं इसको अनबॉक्स। ओके, ये हमने कर दिया इसको अनबॉक्स। सबसे ऊपर मिलती है हमारी मैन यूनिट। मैन यूनिट को रखते हैं एक बार साइड में और उसके बाद में आगे। ओके, इस तरीके से हैं। ये है इसके ईयरफोन्स जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये है इसका बड़ा सारा पावर एडेप्टर। इसकी अगर ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का और 9 वोल्ट 2 एम्पियर का और 10 वोल्ट 2.25 एम्पियर का, तो काफ़ी अच्छी है ये। एक फास्ट चार्जिंग है और ये मिलता है हमें एक पीछे से सॉफ्ट और अंदर से हार्ड केस, जो कि ग्रिप है इसकी वो काफ़ी शानदार है। तो और ये जो जगह दी गई है ये है पॉपअप कैमरा के लिए, पॉपअप सेल्फी कैमरा के लिए। ओके, ये कुछ स्टिकर वगैरह हैं, ये सिम इजेक्टर टूल, इसको भी चेक करेंगे। और ये बेसिक पेपर, ये है अपनी टाइप सी केबल जो कि मटेरियल है वो कुल मिला के ठीक है। तो यही था इसका फुल ओवरव्यू। और बॉक्स का अगर कुछ कंटेंट की बात करते हैं, जो उस पर लिखा हुआ है अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, एलिवेटिंग फ्रंट कैमरा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 और 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज, और सबसे मेन चीज़ है वो है मेड इन इंडिया। तो करते हैं फ़ोन को बूट और देखते हैं, काफ़ी वेट है फ़ोन के अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ स्पेशल है हमारे पास। ये है फ़ोन, वेट वास्तव में कुछ ज़्यादा ही है। तो करते हैं फ़ोन को बूट। ओके, ये हो गया फ़ोन को बूट। अगर ओवरव्यू की बात करें फ़ोन की, तो हमें सबसे ऊपर की तरफ मिलता है 3.5mm का जैक और उसके साइड में मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमें वॉल्यूम, रोकर बटन्स और पावर बटन दोनों मिलते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो स्पीकर ग्रिल, सेंटर में रहेगा अपना टाइप सी का पोर्ट और लेफ्ट साइड में हमारे पास रहेगा माइक्रोफोन और सिम ट्रे भी यहीं मिलेगी हमें। सिम ट्रे हम देखना चाहेंगे स्टोरेज का कुछ कोई ऑप्शन है या नहीं है। बिल्कुल इसमें स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ ड्यूल सिम का ही ऑप्शन है। ये हो चुका है अपना फ़ोन बूट और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सारा फ़ोन है ये। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ 4 डिजिट का पासवर्ड डालते हैं, 1234 1234। एग्री। ओके, ये है हमारे पास इनबिल्ट फिंगरप्रिंट, तो इसको हम यहाँ से रखते हैं और करते हैं रजिस्टर। ओके, ये हो गया है हमारा। अब है इसकी ग्रिप, ग्रिप भी बनाते हैं। ओके, ये हो गया है डन। तो ये हो गया अपना फोन बूट। और सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाके हम देखते हैं अबाउट फोन, चेक करते हैं एक बार। और अबाउट फोन में हम देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन 8.1 है, एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट इसमें आ चुका है, प्रोसेसर 2.8 स्नैपड्रैगन 845 है ही, ऑक्टा कोर में हमारे पास रैम 8GB की है और वीवो रोम फन टच ओएस 4.0 है। सिक्योरिटी पेज लेवल है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन नई अपडेट के साथ जनवरी का आ गया है इसके अंदर। करते हैं इसका कैमरा टेस्ट जो कि इसकी सबसे खास बात है। तो ये हम कैमरा ऑन किया। ओके, एक छोटा सा हम टेस्ट करके देखते हैं कि फोकस इसका कैसा है। ओके, तो डिटेल्स ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, तो कैमरा ठीक है। और अब हम एक बार बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की जो कि इसकी स्पेशलिटी है। तो ये निकला पॉपअप कैमरा बाहर। ये हमने क्लिक किया एक फ़ोटो और
लाइटिंग में क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया है, तो इस फ़ोन का यही था पूरा ओवरव्यू। तो जो प्राइस की अगर हम इसकी बात करें, तो ये लॉन्च हुआ है 45,000 रुपये में, लेकिन अभी जो इसकी और प्राइस चल रही है वो है 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये। और अमेज़न की और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि पहले से इंस्टॉल्ड हैं, तो हम देखते हैं अगर ये अनइंस्टॉल हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल हमारे पास इनका ऑप्शन है, तो फालतू की जो भी एप्स हैं वो हटा सकते हैं हम। तो यही था इसका पूरा हिसाब किताब। अब इसकी जो दूसरी खास बात है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे कितना काम करता है ये। ओके, ये फेल हो रहा है, इस बार खुल गया, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ओके, 1 सेकंड का टाइम लेता है हमारे पास। बिल्कुल, और बाकी कुल मिला के ठीक है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और वाइब्रेंट है। तो यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। तो बताना वीडियो में कैसा लगा आपको ये फ़ोन, और ये जो इसका ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा है और यूनिक ऑप्शन है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।